तो आगे दोस्तों आप लोग आइए, फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एटीएम का पिन चार वजह से बनाए जाते हैं दोस्तों। सबसे पहली वजह ये होती है कि आप अगर बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाने जाते हैं और एटीएम के लिए अर्जी देते हैं तो नया एटीएम आ जाता है और उसका पिन बनाना पड़ता है, वो आपको खुद बनाना पड़ता है। दूसरा दोस्तों, अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और आप उसको नंबर को बदलना चाहते हैं और आपने, तो आपको एटीएम का पिन बनाना पड़ता है। अगर तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, तीसरा तरीका, तीसरा क्यों बदलवाया जाता है, अगर आप अपना एटीएम का पिन नंबर भूल गए हैं और नया पिन डालना चाहते हैं तो भी आपको ये एटीएम का पिन बनाना पड़ता है। चौथा दोस्तों, अगर आपको पिन भले ही याद है लेकिन आप चाहते हैं नया पिन रखना तो भी आप रख सकते हो, एटीएम का पिन बदल सकते हो दोस्तों, नया पिन रख सकते हो। चारों वजहों से या किसी भी वजहों से आपको एटीएम का पिन बनाना है तो आपको मैं बड़े ही आसानी तरीके से बताऊंगा। एक ही तरीका है, जल्दी जल्दी बताऊंगा, बिना किसी रुकावट के बिल्कुल सही जगह आप आए हो, फटाफट पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ो, उससे पहले बता दूँ, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर घंटी वाला बटन जरूर दबाना, जिससे सरकारी योजना और गवर्नमेंट स्कीम आपको सबसे पहले पता चलती रहे। एटीएम का पिन बदलने के लिए, एटीएम का पिन नया लेने के लिए सबसे पहले आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लेकर या मोबाइल लेकर जिसमें आपको मैसेज आते हैं बैंक ऑफ इंडिया से, वो लेकर आप पहुंच जाइए एटीएम में। कौन से एटीएम में जाओगे? बैंक ऑफ इंडिया के ही एटीएम में जाना है, दूसरे एटीएम में नहीं जाना। जाकर आप कार्ड स्वाइप करो, कार्ड स्वाइप करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे दोस्तों, पहला होगा इंग्लिश और दूसरा होगा हिंदी। तो आपको कौन सी लैंग्वेज पसंद करना, चलिए हम इंग्लिश लैंग्वेज पसंद करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज पसंद करने के बाद आपके सामने फिर से दो ऑप्शन आएंगे, एंटर पिन, फॉरगॉट क्रिएट ग्रीन पिन। तो ये वाला ऑप्शन नहीं पसंद करना है, दूसरा वाला पसंद करना है, फॉरगॉट क्रिएट ग्रीन पिन। इसको पसंद करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे दोस्तों, जनरेट ओटीपी, वैलिड ओटीपी। तो आपको क्या करना है, जनरेट ओटीपी करना है। इसको क्लिक करने के साथ ही तुरंत आपको मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा दोस्तों कि UPI*SENDES योर ओटीपी फॉर कार्ड नंबर इज इतना। आपका कार्ड नंबर पे ओटीपी आया है, इसको ध्यान से रखना है, रखना है मतलब मोबाइल खोल के ही रखना है, ठीक है। मोबाइल खोल के रखो और उसके बाद फिर से आप शुरू कर दो, क्या शुरू कर दो, कार्ड को स्वाइप करो। फिर से कार्ड स्वाइप करने के बाद आपके सामने फिर से यही ऑप्शन आएगा, कौन सा, इंग्लिश और हिंदी। आप पसंद करो वही जो इंग्लिश आपने पहले किया हुआ है। उसके बाद फिर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एंटर पिन, फॉरगॉट क्रिएट ग्रीन पिन। तो इस बार कौन सा पसंद करोगे, ये वाला नहीं भैया, ये वाला नहीं, यही वाला करो दोस्तों, फॉरगॉट क्रिएट ग्रीन पिन। फिर से आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, जनरेट ओटीपी, वैलिड ओटीपी। कौन सा करोगे, ये वाला नहीं, पिछली बार आपने ये वाला किया था, अब इस बार वैलिडेट ओटीपी करना है। वैलिडेट ओटीपी करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर ये स्क्रीन आ जाएगी, एंटर योर ओटीपी वैल्यू। तो छः अंकों का जो आपको ओटीपी आया, वो नंबर आया, वो उसको यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद कंटिन्यू बटन दबाइए। कंटिन्यू बटन दबाने के बाद अब आपको पूछेगा, प्लीज़ एंटर योर न्यू पिन, नया पिन जो आप रखना चाहते हो, पुराना सब कुछ भूल जाओ, नया पिन जो रखना चाहते हो वही डालना है। यहाँ पे आपने चार अंकों का नंबर डाल दिया, डालने के बाद फिर से कंटिन्यू बटन दबाओ। कंटिन्यू बटन दबाने के बाद आपको फिर पूछेगा, प्लीज़ री एंटर योर न्यू पिन, जो आपने अभी चार अंकों का पिन डाला है फिर से दोबारा री एंटर करिए। यहाँ पे डालने के बाद फिर से कंटिन्यू बटन दबाइए। कंटिन्यू बटन दबाने के बाद आपके सामने ये मैसेज आ गया, योर पिन हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली। मज़ा आया तो रुको रुको रुको, मज़ा तो आ गया लेकिन रुकिए, देखिए एक बार फिर से आधे मिनट में आपको दोहरा देता हूँ एक स्टेप में ही। सबसे पहले आप कार्ड को इंसर्ट कीजिए, इंसर्ट करने के बाद आपसे पूछेगा लैंग्वेज, लैंग्वेज आप पसंद कीजिए, इंग्लिश पसंद किया, उसके बाद ऑप्शन ये आएगा फॉरवर्ड क्रिएट पिन, ये वाला ऑप्शन को पसंद कीजिए, उसके बाद जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन को पसंद कीजिए, उसके बाद छः अंकों का ओटीपी आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको री इंसर्ट, दोबारा डेबिट कार्ड को डालिए, डालने के बाद फिर से लैंग्वेज पसंद कीजिए, इंग्लिश वाला कीजिए, फिर से फॉरवर्ड क्रिएट ग्रीन पिन दबाइए और अब इस बार वैलिडेट ओटीपी दबाइए। मतलब ये जो चार स्टेप हैं, उधर भी चार स्टेप है लेकिन यहाँ पे चौथे स्टेप पे बदल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद छः अंकों का जो ओटीपी आपको आया है, ये वाला ओटीपी, उसको डालिए। डालने के बाद आप चार अंकों का पिन नंबर डालिए, फिर दोबारा से पिन नंबर डालिए, आपका अकाउंट का एटीएम, अकाउंट के एटीएम का पिन नंबर चेंज हो गया है। पसंद आया वीडियो तो लाइक करना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके कॉमेंट बताना भैया कि क्यों पसंद नहीं आया। वीडियो को शेयर करना मत भूलना। जय हिंद दोस्तों।